पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाअभियोजन 2031 को लेकर लगातार आपत्तियां एमडीए के अधिकारियों पर पहुंच रही हैं। इसी को लेकर आज एमडीए वीसी मधुसूदन फुलगी और एलयूबी के बैनर तले एमडीए सभागार में बैठक की गई। आयोजित बैठक में एमडीए वीसी के द्वारा निर्यातकों को आगामी समय में होने वाले परिवर्तन के विषय में जानकारी दी। साथ ही निर्यातकों ने भी एमडीए वीसी से सवाल कर अपनी शंकाओं को दूर किया। इस दौरान लघु उद्योग भारती के चेयरमैन अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में निर्यातकों के एक समूह ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें निर्यातकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष एमडीए को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मास्टर प्लान 2031 महायोजना के विषय में आपत्ति दर्ज करवाई गई और सुझाव भी प्रेषित किए गए। इस दौरान कहा गया कि हनुमान मूर्ति से पंडित नगला बाईपास रोड में मास्टर प्लान 2031 के महायोजना में पंडित नगला बाईपास रोड की सभी औद्योगिक इकाइयों को R2 से हटाए जाने का सुझाव दिया गया। क्या मुद्दे थे, अहम मुद्दे जो एक्सपोर्टर्स के सामने को लेके मुद्दे थे सारे, जो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी जगह पे आर टू का मुद्दा था, इंडस्ट्रियल एरिया में जो जोनिंग नहीं हो रही है उसका मुद्दा था, जो इंडस्ट्रियल एरिया हमें और होने चाहिए, जहाँ पे प्रपोज्ड होने चाहिए हमारे हिसाब से, वो मुद्दे थे। उन पर 8 पॉइंट्स रखे टोटल, प्लस एक बहुत बड़ा पॉइंट हमने रखा, जो कहीं पर भी जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है या मास्टर प्लान डेवलप होता है, वहाँ पर कहीं पर भी पॉकेट्स नहीं बनाए जाते जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट रखी जा सके या इकट्ठी हो सके। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जगह जगह जहाँ पर खाली प्लॉट्स होते हैं वहाँ पर पड़ी होती है। हम लोग स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं और हम लोग अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा ये एक बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया इसे सामने कि इसको नगर निगम के साथ वो टेकअप कर लिए। अब आप देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हजला इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया है जो इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, उसके अंदर रोड्स के ऊपर पूरा हब बना हुआ है वो वेस्ट का, पूरी डोमेस्टिक वेस्ट वहाँ पर आती है, कोई उस पर काम करने। तो अगर कोई जगह नहीं मिलेगी नगर निगम को लैंड तो यही देंगे, अगर वो प्रपोज नहीं करेंगे तो नगर निगम कूड़ा कहाँ डालेंगे। आज लघु उद्योग भारती अंश मेरे अध्यक्षता में एक मीटिंग हमारे बीसी एमडीए साहब के साथ आयोजित की गई थी। वह हम उसके लिए बीसी साहब के बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग का ऑर्गेनाइज करी गई थी और इसमें भारी संख्या में हमारे लघु उद्योग भारती के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने पॉइंट देश करे, और उस पर जो है बीसी साहब ने बड़ी शालीनता से उस पॉइंट को, हमारे पॉइंटों को, 8 सूत्र पॉइंटों को उन्होंने सुना समझा और उस पर आश्वासन दिया कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं उसको देखते हुए वो उनको रेगुलराइज कर देंगे, और जो एरियाज पे जो हमने सुझाव दिए उस पर उन्होंने कंसिडर करने के लिए बोला। आज एमडीए के जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर हुलगी जी और जो सेक्रेटरी साहब हैं गुप्ता जी से आज हमारी बहुत औपचारिक भेंट हुई, और उसमें सभी हमारे लघु उद्योग बंधु के जितने भी बड़ा करीबन बहुत ही संख्या में करीबन 60-70 की संख्या में सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित हुए और सब ने अपने अपने विचार रखे, और हुलगी जी ने उनको बड़ी शालीनता से सुना और बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हमने बढ़ा करके पहले से 3 गुना कर दिया है। लेकिन मैंने उसमें ये देखा कि जो उन्होंने हाईवे के किनारे किया है उसकी अप्रोच रोड नहीं है, और जिसकी अप्रोच रोड NHAI के द्वारा बनने जब तक नहीं बनेगी, जब तक उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, मेरा निवेदन है कि उस अप्रोच रोड को जब तक ना बने उसके बाद ही इसको घोषित करें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।